बनर्जी भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह के वहां पर लॉ एंड ऑर्डर चला रही हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जो यहां पर एक प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। भाजपा चीफ सुकंता मजुमदार ने कहा है ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम इन रोहिंग्यों का है। ऐसी रोहिंग्यों को लेकर कहता है आम आदमी पार्टी का नेता ओखला से आने वाला कि भैया ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सियाराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे प्रातःकालीन एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा मुद्दा है, हमारा मौजू है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो किसी जमाने में पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता था जो पश्चिम बंगाल सोच रहा है, जो पाकिस्तान जो पश्चिम बंगाल कर रहा है वो शेष भारत पश्चिम बंगाल से या कहें इस पूरे बंगाल से कोसों दूर है। बंगाल में विकास की एक रेखा थी, बंगाल में एक विकास का कहानी था। हर कोई कहता था किसी जमाने में भैया कहाँ जा रहे हो, तो कहता था कलकत्ता। लेकिन तब के बंगाल और अब की बंगाल में खासा अंतर हो गया है। आज जो बंगाल हमारे हिंदुस्तान के पास है वो है पश्चिम बंगाल। मगर ये पश्चिम बंगाल जो किसी जमाने में किसी दशक में कोसों आगे था, लैब के 35 साल का शासन और ममता बनर्जी का जो मौजूदा एक दशक का शासन चल रहा है वो ये दर्शा रहा है कि पश्चिम बंगाल अब शेष भारत की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के रूप में देखें तो कोसों पीछे है। जिस पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच करने जाती है, जिस पश्चिम बंगाल में सीबीआई पड़ताल करने जाती है, तो ये ममता बनर्जी एक आंदोलनकारी की तरह सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ जाती है। अभी ताजा ही घटना ले लें कि ईडी के ऊपर हमला कर दिया गया। इस ईडी के हमले में पत्रकारों पर भी हमले किए गए, जो सीआरपीएफ के जवान थे उन पर भी हमले किए गए। ये कहानी किस कहानी को अंजाम देते नजर आ रही है, ये सिलसिला किस सिलसिले को जन्म देता नजर आ रहा है? क्या पश्चिम बंगाल भारत की संप्रभुता, भारत की जो प्रजातंत्र है, भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके साथ चल रही है? क्या ममता बनर्जी भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह के वहां पर लॉ एंड ऑर्डर चला रही है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी है, ढकिया है, वो पश्चिम बंगाल में घुस गए हैं, वहां की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। ममता बनर्जी केंद्र के हर नियम कानून पर अपने डंडे लगाते रहती हैं, केंद्र के हर नियम कानून पर वो अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया देते रहती हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर में कई ऐसे इलाके हैं जहां आज तक बाड़ नहीं लगा है, वो जमीन बीएसएफ द्वारा उसको अतिक्रमण नहीं किया गया है, वहां पर बाड़ लगाने का काम होता है तो ममता बनर्जी को वो भी बुरा लगता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में कई ऐसे बॉर्डर हैं जो खुला है, जहां पर किसी तरह का तार नहीं लगा है, वो मैदानी इलाका है, वो दलदलीय क्षेत्र है, मर्सी प्लेस है, वहां से ये ढकिया पश्चिम बंगाल में घुस जाते हैं। कुछ लोग हैं उन्हें संरक्षण देते हैं, उनका आधार कार्ड बना देते हैं, उनका वोटर कार्ड बना देते हैं। ये सब बातें कई बार एक्सपोज हुई हैं, ये सब कहानी सामने आई है, तो ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में एक नेक्सस चल रहा है जो भारत विरोधी है, जो भारत को कन्वर्जन की कहानी की ओर लेता जा रहा है। ये सब बातें पुख्ता होती नजर आ रही हैं। कुछ महीनों पहले तो इनकी एक नेत्री थी ममता बनर्जी की टीएमसी, कह रही थी कि जो भी बांग्लादेश से आया है अगर भारत में रह रहा, खासकर उनके पश्चिम बंगाल में रह रहा है, उनका आधार कार्ड बना दिया जाए, उनका राशन कार्ड बना दिया जाए, उनका वोटर कार्ड बना दिया जाए।
तो ये कहानियां साफ साफ चल रही हैं। ये पश्चिम बंगाल में रहते हैं, पश्चिम बंगाल से भारत में जाते हैं, वहां पर गतिविधियों को अंजाम देते हैं और वहां कानून जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे वो पूरी तरह से निस्तय नाबूद कर देते हैं। लेकिन कल जो घटना हुई है, कल ईडी के ऊपर जो हमला हुआ है वो शर्मनाक है। टीएमसी के एक नेता है शाहजहां, जी हाँ टीएमसी के एक नेता है शाहजहां, के घर रेड मारने आई थी ईडी की टीम। आजकल ईडी जो है कई लोगों की जिंदगी में जो है वो खलल डाल रही है। ईडी से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी परेशान है, सबसे बड़े खलंदर केजरीवाल भी परेशान है, कई लोग परेशान है। तो ममता बनर्जी के भी कई नेता हैं जिनको आय से अधिक संपत्ति, संपत्तियों के हेरफेर की कई कहानियों में वो ग्रसित हैं। उन्होंने हेरफेर किया है, उनके पीछे भी ईडी लग गई है, ईडी का जिन उन्हें भी नहीं छोड़ रहा है। खैर ये तो बात और विवाद और नहीं जाने वाली कहानी और राज्यों में नजर आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ईडी को ही साला खत्म कर दो, वो ईडी पर ही हमलावर हो गए हैं। टीएमसी नेता शाहजहां के घर रेड मारने आई ईडी टीम, ईंट पत्थर से लैस भीड़ ने कर दिया हमला। बंगाल में सीआरपीएफ के जवानों और पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया, उन पर भी ये भीड़ जो है, ये मॉब जो है वो हमलावर हो गई। पश्चिम बंगाल का राशन घोटाला केस में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर रेड मारने आई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर और सीआरपीएफ के जवानों पर 250 से 300 लोगों की भीड़ ने जानलेवा हमला किया। इस दौरान पत्रकारों पर भी अटैक हुआ और कई गाड़ियों को तोड़फोड़ भी की गई, कई गाड़ियां तोड़ दी गई। हमले में ईंट पत्थर का इस्तेमाल हुआ। सामने आई तस्वीरों में एक आदमी का सिर खून से लथपथ नजर आया है, वो कपड़ा बांधकर सुरक्षा कर्मियों के साथ खड़ा है। भीड़ में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी, सबने ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गालियां दी फिर उन पर हमला किया। ये क्या कहानी दर्शाता है, ये क्या चरित्र दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो आप अगर नोएडा में जाइएगा, दिल्ली में जाइएगा, तो आपको हर घर में पश्चिम बंगाल से घर में मेड सर्वेंट का काम करते हुए पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर नजर आएंगे। अगर आप हावड़ा से नई दिल्ली की ट्रेन पकड़िएगा या सियालदह से आप नई दिल्ली की ट्रेन पकड़िएगा या आनंद विहार की पकड़िएगा या पुरानी दिल्ली की पकड़िएगा तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगा, उसमें कोई ना कोई ऐसा पश्चिम बंगाल का नागरिक नजर आएगा जो अपने राज्य से त्रस्त है, जो कहीं मेड का काम करता है, कहीं चपरासी का काम करता है, कहीं फलाना काम करता है, ढिमकाना काम करता है, उसके राज्य में खाने के लाले पड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी काम गलत छोटा या बड़ा होता है, और उसी पश्चिम बंगाल में जब किसी कानूनी दुरुपयोग करता है, जनता की गाढ़ी कमाई का गबन करता है, उसके सपोर्ट में वहां की महिलाएं भी आ जाती हैं। एक्चुअली पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भाषा के नाम पर भड़का कर रखा है, हिंदी बोलने वालों से इतनी नफरत है, हिंदी बोलने वालों से इतनी पीड़ा है, हिंदी बोलने वाले से पीड़ा का अथक वेदना है उनके अंदर, तो ये कहानी साफ साफ नजर आ रही है। कोल स्कैम में ममता बनर्जी का भांजा भी, भतीजा भी फंसा हुआ, जी भतीजा फंसा हुआ है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। अभी भतीजा का जो बीवी है वो भी इसमें फंसी हुई है। तमाम तरह के मुद्दे हैं जो ममता बनर्जी के साथ चपसे हुए हैं। ये घटना पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की है। इस दौरान न्यूज 18 के पत्रकारों के साथ बदसलूकियां हुई हैं, उनकी कार पर तोड़फोड़ हुआ है और कैमरा भी तोड़ दिया गया है। भाजपा चीफ सुकंता मजुमदार ने घटना पर कहा है कि उनके खिलाफ शिकायत है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, करप्शन को ममता जी दबाए बैठी हुई है। ये सामान्य है कि ईडी के एक्शन तो लेगी ही। ईडी पर संदेश खाली में हुआ हमला दिखाता है कि आखिर रोहिंग्या लॉ एंड ऑर्डर के साथ क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में कई रोहिंग्या हैं, कई बांग्लादेशी हैं जिन्हें बसाया गया है, जो वही है जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के सज्जन हैं, वो क्यों है हमले करेंगे। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ केंद्र सरकार कहती है कि ये बाहर से आकर बसे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी में छिद्र कर रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ की प्रजातंत्र जमहूरियत पर इनका विश्वास नहीं है, जितने गैर कानूनी काम होते हैं, जितने अवैध धंधे हैं इनके द्वारा पनपाया हुआ है, वो रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये सारे ममता बनर्जी के साथ
इलू इलू करते नजर आते हैं, ममता बनर्जी के साथ सबसे नजर आते हैं, ये उन्हीं का कारनामा है। तो यही बात भाजपा चीफ सुकंता मजुमदार ने कहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम इन रोहिंग्यों का है। इसी रोहिंग्यों को लेकर कहता है आम आदमी पार्टी का नेता ओखला से आने वाला कि भैया ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। और यही अरविंद केजरीवाल कहते हैं आप सनातनी हिंदुओं को लाओगे जो पाकिस्तान से प्रताड़ित है, उन्हें खाना कौन खिलाएगा, वो कहाँ रहेंगे। मतलब ये बातें जो है दो अमानतुल्ला कुछ अलग बोलता है, अमानतुल्ला गरीब के नाम पर रोहिंग्यों के बसाने की बात करता है, सनातनी हिंदू जिनके धर्म के नाम पर उन्होंने जमीन ले ली, पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, वहां से हिंदू खदेड़े जा रहे, उन्हें भारत में शरण दी जा रही, खाना कौन खिलाएगा। मतलब दो तरह के चरित्र इनके नजर आते हैं। वही भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था लचर है और कानून पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से स्थिति का संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने ये भी मांग की है कि इस मामले की जांच NIA एजेंसी को सौंपी जाए। अपने ट्वीट में उन्होंने इस हमले को रोहिंग्या का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। बता दें कुछ दिन पहले ही ईडी ने राशन घोटाले का खुलासा करते हुए इस बातों पर प्रकाश डाला था कि पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लगभग 30% राशन खुले बाजार में बेच दिया जाता है। राशन की एक कथित चोरी का जो फायदा हुआ है वो मिल मालिकों और जन वितरण वितरकों के बीच साझा बांटा जाता है। ये तमाम कहानियों को दर्शाया गया था कि इनके बीच में जो चोरी है वो मिली भगत से हो रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में किसानों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोलकर MSP की राशि और आपस में बांटी गई है। ये काम डीलरों वितरकों और राशन दुकान मालिकों का एक नेटवर्क बनाकर किया गया। इस नेटवर्क की सहकारी समितियों के साथ मिलकर किसानों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए और फिर MSP की रकम को अपनी जेब में डालकर वो चलते बने हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद ईडी का जो रुझान रहा है, ईडी का जो कहना था, ईडी का कहना है कि सारे घोटाले सालों से चल रहा है और पश्चिम बंगाल में ये ममता के राज में ये खुलेआम हो रहा है। 2022 में इस मामले में FIR हुई थी और अक्टूबर 14, 2023 को एक बकीबुर रहमान नामक एक व्यापारी गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद इस मामले को पश्चिम बंगाल की मंत्री ज्योति प्रिया मलिक भी गिरफ्तार हुई थी। आरोप था कि उनके खाद्य मंत्री रहने के कार्यकाल 2011 से 2021 के दौरान राशन वितरण में अनियमितताएं लगातार हुई थी। जो राशन आम जनमानस के लिए है, जो राशन एक गरीब गुर्गे के लिए है, जो राशन उन मजमूनों के लिए है जो अपनी जिंदगी गुजर बसर नहीं कर पाते, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खस्ता दौर पर चलती है, और उनके राशन की भी यहाँ मिली भगत से इस पर जो है जश्न मनाया जाता है, इसे भी उड़ा लिया जाता है। गरीबों का राशन खुलेआम खुले मार्केट में बेच दिया जाता है। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर, पश्चिम बंगाल की कहानी कितनी ज्यादा एक भयावह स्थिति में पहुंच गई है। तो ममता बनर्जी के विधायकों को भी जो रोहिंग्या प्रेम जबरदस्त है, इनके सांसदों का भी रोहिंग्या प्रेम जबरदस्त है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर वहां की डेमोग्राफी बदलने की कहानियां तो साफ साफ पश्चिम बंगाल में तो नजर तो आती ही थी, उसका यहाँ पर अब धीरे धीरे खुलासा भी होता नजर आता है। ये कहानी साफ साफ नजर आती है। इनका मकसद ही है पश्चिम बंगाल में ये डेमोग्राफी है उसको पूरी तरह से बदल देना और पश्चिम बंगाल को एक मजहबी राज्य की ओर परिवर्तन की ओर ले जाना। ये कहानियां साफ साफ नजर आती हैं, तभी तो ममता बनर्जी जैसे लोग हैं CAA और NRC का विरोध करते नजर आते हैं। CAA का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इस पर चर्चा हो रही है कि इसको फिर से आम चुनाव से पहले इसको लागू करना है। देखिएगा ये चीजें और ज्यादा घनिष्ठ होंगी और इसका विरोध पश्चिम बंगाल में और ज्यादा घनिष्ठ होता नजर आएगा, क्योंकि NRCC आता है जो भारत में अवैध तौर पर घुसे हैं, कहीं ना कहीं उनके दर्द तो उन्हें होता नजर ही आएगा। जब NRCC से सनातनी हिंदुओं को भारत में लाने की बात करती है तब तो इनको छाती में मवाद उठते हैं, दर्द होते हैं, और वहीं एक मजहबी उन्माद
जो एक धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के दो हिस्से करा लिया, उसको बसाने में गरीब के नाम पे बसाने का ये काम लगातार करते नजर आते हैं। मैं एक बार फिर कहूँ, चाहे वो अमानतुल्ला खान हो ओखला का, दिल्ली का विधायक, या फिर अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं आप हिंदुओं को लेकर आने, खाना कौन खिलाएगा। दोहरी चरित्र, ये दोहरी बातें यहाँ साफ साफ नजर आती दिख रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश से निवेदन है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव तो आप सुझाव दे सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। अब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं।